वेलकम फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है एक न्यू चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हम किए हैं वह बाबू आपका है मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, यानी आप इसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। तो आज बाबू इसका बारी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब बाबू बहुत ही मतलब कि ज़्यादा टारगेट जो क्वेश्चन एग्जाम में जिस टाइप से किया जाता है उसी टाइप को हम उठा के लाए हैं। तो बस एक एक क्वेश्चन को आप लोग सीखिएगा, और सीखने के बाद दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन हम करा देंगे उतना आप लोग कर लीजिएगा, उतना आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। और बाबू सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपका प्रैक्टिस। ठीक है ना, यानी प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो पूरा इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो मुझे यानी मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप खुद सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है, और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, VVI तो है बहुत ज़्यादा है, यानी इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, भले और किसी टाइप से बनाए चाहे न बनाए, लेकिन जिस फॉर्मेट पे यह क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है इस फॉर्मेट से 100% क्वेश्चन पूछता है। बाकी आपका काम है तैयार करना। देखिए क्या है कि एक आव्यूह दिया गया, आप लोग भी देख रहे हैं, दोनों के बीच में एक चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, चिन्ह किसका है, बराबर का है। तो बराबर का देने का मतलब क्या है कि दोनों आव्यूह क्या है, बराबर है। सिंपल सा, दोनों आव्यूह के बीच में बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब कि क्या है, दोनों आव्यूह बराबर है। तब आव्यूह समान होता है तो बाबू एक कंसेप्ट, एक लॉजिक यहाँ से यूज किया जाता है कि सामने वाला अवयव सामने वाले अवयव के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब जो आप यहाँ 2x माइनस आप y देख रहे हैं, 2x माइनस y, यह जो होगा ना यह 6 के बराबर होगा। इसके बराबर होगा 6 जो यहाँ पे है, इसके बराबर होगा। जो आप यहाँ पे ये 5 देख रहे हैं यह 5 इसके बराबर होगा। सॉरी एक मिनट, जो आप यहाँ पे ई वाला 5 देख रहे हैं तो ई वाला 5 इसके बराबर होगा। ठीक है ना, जब दो आवयव के बीच बराबर का चिन्ह लगता है तो यही रूल लगता है। यानी आप यहाँ पे जो ये आप 3 देख रहे हैं तो यह 3 बाबू यह इस 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो 3 3 के ही बराबर होगा, तो यह तो बराबर है। और जो आप यहाँ पे ई वाला वाई देख रहे हैं, वाई, यह बाबू यह अपने वाला यानी इसके बराबर होगा। यह आव्यूह का रूल कहता है कि यदि दो आव्यूहों के बीच में यदि बराबर है तो समान अवयव इसमें का और उसमें का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो पूरा आप लोगों को लॉजिक पूरा फिगर में ही हम दिखा दिए हैं। यानी 2x माइनस वाई, ठीक है ना, यानी 2x माइनस वाई का मान किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट, जो आप यहाँ पे ई वाला 5 देख रहे हैं तो 5 तो 5 के बराबर है, यह तो बराबर है। जो आप यहाँ पे 3 देख रहे हैं तो यह 3 के भी बराबर है। लेकिन जो आप यहाँ पे ई वाला वाई देख रहे हैं तो वाई किसके बराबर है मेरे भाई, -2 के बराबर है। तो यानी वहाँ हम यहाँ लिख दे रहे हैं वाई इक्वल टू -2। इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, आप लोग नहीं भी मान सकते, इसमें ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं है। तो हमको देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, x का मान पूछा है कि x का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में हम लोग y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर
समीकरण वन में y का मान रखेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस वाई है, तो y का मान हम यहाँ पर माइनस दो रखे हैं, बराबर का क्या है 6 है, तो क्या हो गया 2x प्लस दो बराबर क्या हो गया 6। अब देखिए 2x बराबर क्या होगा 6 माइनस का 2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 2 से 4 कटेगा दो बार में, तो फाइनली आपका x का मान कितना आ गया 2 आ गया, और y का मान कितना आया है माइनस का 2 आया है। तो पूरा बात जो है हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है ना, और आपका आंसर तैयार है। तो आप लोग भी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बना दिए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको सीखना था, आप लोग यह क्वेश्चन सीख गए होंगे, तो अगला क्वेश्चन जो आएगा उसका आप धजिया उड़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, यानी एक टाइप से हम दो क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपका रिवीजन, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से हो जाए, लेकिन जो यह टाइप है थोड़ा उससे डिफरेंट है, ठीक है ना, क्या है डिफरेंट है, देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह तो लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एक यहाँ से दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात क्या आ गई कि यह इधर दो आव्यूहों का गुणा के रूप में दिया है, अब बराबर में एक सिंगल आव्यूह दिया है, मतलब कि दो को पहले गुणा करना है फिर उसके बाद बराबर करना है, तो पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों आव्यूहों को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद तब आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग पहले गुणा कीजिए उसके बाद आप लोगों को बराबर करना पड़ेगा, ऐसे आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो पहले गुणा करना पड़ेगा, तो चलिए गुणा का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गुणा कैसे होता है, जो यहाँ वाला आप x प्लस वाई देख रहे हैं यह दो में गुणा होगा, ठीक है ना, दो में, जो आप यहाँ पे y देख रहे हैं यह आपका माइनस वन में गुणा होगा, जब वह दो में गुणा होगा तो क्या होगा टू, यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई, और फिर y से माइनस वन में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस का y होगा। अब देखिए 2x ले दो में गुणा होगा, 2x गुणा दो प्लस एक्स माइनस वाई, और फिर क्या होगा यहाँ माइनस वन से गुना होगा, ठीक है ना, और बराबर यहाँ पे आपका जो है वह थ्री, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का टू होगा। अब देखिए थोड़ा सा गुना तो कर लिए हैं, अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब देखिए गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 2x प्लस का 2y माइनस का आपका y हो जाएगा, जब 2x ले दो में गुना कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ज्यों का त्यों हम छाप रहे हैं, 3 माइनस का 2। अब देखिए 2x प्लस 2y माइनस वाई है, तो इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 2x प्लस का y होगा, 4x में से x जाएगा कितना होगा 3x होगा, प्लस का y बराबर, यहाँ देखिए क्या है 3 है, यहाँ क्या है माइनस का 2 है, हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद आप लोगों को हम दिखा चुके हैं कि जो यहाँ पे आप 2x प्लस वाई देख रहे हैं यह किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, जो आप यहाँ पे 3x प्लस वाई देख रहे हैं यह किसके बराबर होगा, माइनस 2 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 3, और फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3x प्लस का y, ठीक है ना, लिख रहे हैं, तो यह किसके बराबर है माइनस दो का, तो हम दोनों को घटा देते हैं यहीं पे, तो यह माइनस यह आपका क्या होगा प्लस होगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का x आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2x माइनस 3x माइनस x आएगा,
तीन दो कितना होगा, 5 होगा। तो x का मान कितना है आपका, माइनस का 5 आ गया, ठीक है ना। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, मतलब इसी को आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। तो हम यहाँ रख दे रहे हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर। तो देखिए, तो 2 गुना माइनस का 5 अब प्लस का वाई बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो माइनस का 10 प्लस का वाई बराबर 3 हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13। यानी वाई का मान कितना आएगा, 13 आएगा। आप लोग देख रहे हैं ना, वाई का मान क्या आएगा, 13 आएगा। और आपका जो बाबू एक्स का मान है वह कितना आया है, माइनस का 5 आया है। तो एक बार इक्वेशन में रख के एक बार सेटिस्फाई कर लीजिएगा कितना आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो एक्स का मान माइनस 5 रखेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 13 रखेगा तो 3 आएगा। ये तो सही है। जब आप इक्वेशन 2 यानी आप इसको समीकरण 2 मानिएगा, इसमें जब एक्स वाई का मान रखिएगा तो माइनस का 15 और प्लस का 13, तो 2 सही तो है। एक बार गुना यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2x प्लस 2y माइनस का वाई सही है। जब इसमें गुना होगा तो 4x माइनस का x प्लस का वाई, तो 3x प्लस वाई सही है। इतना ही आंसर आएगा आपका, 100% नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग सीख गए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बाबू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टाइप यहाँ से क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको एक आव्यूह का मान दिया है और बोला है कि आप इससे एडज्वाइंट ए निकालिए, ठीक है ना, एडज्वाइंट ए निकालिए। तो सबसे पहले एडज्वाइंट ए निकालने से पहले आप एक यहाँ से कंसेप्ट सीख लीजिए, ठीक है ना। क्या कंसेप्ट, कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट। यदि ए बराबर यहाँ पे आपको a11, ठीक है ना, यहाँ पे a12 और यहाँ पे आपका a21, यहाँ पे क्या होता है a22, मान लीजिए ऐसे रहता है। इस केस में मान लीजिए कि आपको एडज्वाइंट a कह देगा फाइंड करने के लिए, तब देखिए कैसे निकालेगा, बहुत ही शॉर्ट में निकाल दीजिएगा। a11, a12, a21 a22, है ना। इसको हम इधर से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखिए इसका, देखिए एडज्वाइंट ए निकालने के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्या होता है, देखिए कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस वाला विकर्ण यानी जो आप इसको देख रहे हैं, बस इसको क्या करना है ना, कि बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है कि साइन आपको चेंज कर देना है, ठीक है। क्या करना है, साइन चेंज कर दीजिए। इसको का है कि आपस में बदल दीजिए, ठीक है ना। क्या कहिए, इसको आप आपस में बदल दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि a11 है और a22 है, तो a22 यहाँ आ जाएगा, a11 यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। इसमें क्या करना है ना, कि इसको आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है ना। क्या करना है, एक्सचेंज मतलब कि मुख्य विकर्ण को आपको एक्सचेंज करना है। जो ई वाला डायगोनल बचेगा, अब दूसरा डायगोनल, इसमें क्या करना है ना, कि ओनली साइन चेंज करना है। तो आपका एडज्वाइंट ए में क्या होगा, चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। तो अब देखिए यहाँ से एडज्वाइंट निकालना है, ठीक है। तो आप ही लोग बताइएगा कैसे कैसे हम करेंगे। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ क्या है, 1 है, हमने लिख दिया है। हम बोले हैं कि ई वाला विकर्ण का सिर्फ क्या करना है, कि एक्सचेंज कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है, एक्सचेंज करना है, मतलब आपस में बदलना है। इसको दो दो को क्या करना है, कि बस साइन चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज कीजिएगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 2 है, यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस का 2 आपका हो जाएगा। तो एडज्वाइंट ए आपका ऐसे निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग सीख गए बढ़िया से। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको हम सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और बाबू देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में 100% बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 मार्क्स में अवे करता है। देखिए क्या है, बोला है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना, जो आपको ए आव्यूह दिया गया है वो कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह आपको दिया गया है। और आपको देखिए एक यहाँ पे कंडीशन बोला है पहले से ही कि क्या है, ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए है, पहले से ही बोला है कि ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए है। तो बोला है कि इतना का मान बता दीजिए कि कितना होगा, ठीक है ना, क्या होगा, इतना का मान बोला है कि बता दीजिए कितना होगा। तो सारा तो कंडीशन दे दिया है, बस मान पूछा है। तो कुछ लोग को जानते हैं कि ये भी निकाल नहीं आएगा, काहे कि उनको याद ही नहीं है कि ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब याद होगा तब ना बनेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस का बी क्यू होता है, प्लस का आपका 3 ए स्क्वायर b होता है, और प्लस का आपका 3 ab स्क्वायर आपका होता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आई प्लस ए है तो इसका ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे, तो यहाँ आई का क्यू कीजिएगा तो आई क्यू हो जाएगा, यहाँ ए का क्यू कीजिएगा तो ए क्यू हो जाएगा, प्लस 3 आपका यहाँ का होगा आई स्क्वायर ए होगा, और प्लस आपका 3 आई यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। सिंपल सा, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो हम यहाँ ए प्लस बी के होल क्यूब बैठा दिए हैं, माइनस का 7 है तो हम लिख दिए हैं, बस अब क्या किए, अब तो कुछ नहीं किए हैं हम। देखिए आई क्यू है तो इसका कंसेप्ट यहाँ देखिए समझिएगा, डिलीवर हम आई स्क्वायर कर दे तो भी आई ए मिलेगा, आई के पावर 4 कर देंगे तो आई ए मिलेगा, आई के पावर एन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई ए मिलेगा। मतलब आई के पावर कितनों कर देंगे हमको आई ए मिलेगा, तो हम यहाँ आई लिख दे रहे हैं। अब देखिए ए क्यू है तो ए क्यू को का हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए, या 3 गो को हम 2 गो आई को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो ए क्यू है तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिए हम, 3 i स्क्वायर फिर आ गया तो इसको हम i लिख देते हैं यहाँ पे a, और 3 i यहाँ ए स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है तो ए स्क्वायर का मान क्वेश्चन ए में बोला है कि a है तो हम यहाँ a लिख दिए, माइनस का क्या हो गया 7 a। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, i प्लस देखिए ए स्क्वायर का मान यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में ए दिया है तो जब यहाँ ए रखेंगे तो ए मिल के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट समझिएगा कि यदि हम आई से किसी भी आव्यूह में गुणा करते हैं तो हमारा वही आव्यूह मिलता है, ठीक है, यानी हम आई से मान लीजिए कि हम बी में गुणा करते हैं, मान लीजिए कोई बी आव्यूह है हम उसमें बी सॉरी कोई बी आव्यूह है और उसमें हम आई से गुणा करते हैं तो हमारा वही आव्यूह मिलता है। मतलब आई का काम समझिए ना कि एक जो एक वर्ग करता है ना, 1, मान लीजिए कि 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 मिलेगा, 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10 मिलेगा, 1 से 1 लाख में करेंगे तो 1 लाख मिलेगा। तो वैसे ही आई काम करता है, आई से ए में गुना कीजिएगा ए मिलेगा, आई से बी में गुना कीजिएगा बी मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 3 i a है तो आई से ए में गुना कीजिएगा तो ए मिलेगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 3 a हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आई ए है तो क्या होगा, 3 a हो जाएगा, हाँ माइनस का क्या होगा, 7 a होगा। अब देखिए आई ए स्क्वायर का मान फिर क्वेश्चन में ए दिया है तो ए यहाँ रख देते हैं, 3 a, अब प्लस का क्या होगा, 3 a, माइनस का क्या होगा, 7 a। तो अब देखिए 3 गो a 3 गो a 6 गो a ये वो 7 गो a, तो पूरा ई वाला मिल के ई वाला इतना कितना होगा, 7 a होगा, तो इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, आई। देख रहे हैं ना पूरा, मतलब कि ले देखिए कितना आंसर आया है, आई आया है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन है कि देख रहे हैं ना, कितना लंबा देखने में लग रहा था लेकिन बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन और भी हम लेकर आएंगे, लेकिन अपना प्यार रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइएगा, लेकर नहीं जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है ना, इसको कहने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में एक ब्रांड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखिए कि बिहार बोर्ड में क्या कहेंगे, कॉम्पिटेटिव में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहला बात समझिएगा
कि बोला है ना कि यदि जो ए यहाँ पे ए देख रहे हैं एक आवयू है जो कि 3 × 3 कोटि का है, तो बोला है कि एडज्वाइंट ए का सारणिक क्या होगा। मतलब कहेंगे बाबू बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो इसके लिए चाहिए ब्रह्मास्त्र, बिना ब्रह्मास्त्र के ही बनेगा नहीं। देखिए मान लीजिए कोई ए आवयू है, ठीक है ना, पूरा इसका मतलब कि क्या कर इसका पूरा मतलब कि हिस्ट्री खोल देते हैं। लीजिए कोई आवयू मान लीजिए कि हम यहाँ पे ए है, ठीक है ना, ए है, इसको हम अंदर लिख दे रहे हैं ए आई जे, ठीक है, कोई आवयू है ए आई जे है, इसका कोटि मान लीजिए कि आपका एन गुना एन है। मतलब कि हमेशा देखिए जो आपका ई देगा ना हमेशा एक वर्ग आवयूह ही देगा, क्योंकि जो सारणिक निकलता है वह एक वर्ग आवयूह का ही निकलता है, तो यह आपको हमेशा एक वर्ग आवयूह ही देगा, तो एन गुना एन होगा। और जब भी आपसे कभी भी एडज्वाइंट ए का सारणिक पूछता है कभी भी, तो याद रखिएगा कि यदि कितना भी कोटि का दे, 1 × 1 का, 2 × 2 का, 3 × 3 का, मतलब कितना भी कोटि का दे, तो यदि एडज्वाइंट ए का सारणिक पूछता है तो आप यहाँ सारणिक ए लिखिएगा, और जो कोटि रहेगा ना उसके पावर में 1 कम करके लिखिएगा। मतलब सारणिक ए के पावर क्या होता है, एन माइनस 1 होता है। ये वाला ट्रिक आप याद रखिएगा, आपसे 100% बनेगा। तो देखिए जो आपका ए है वह दिया है कितना कोटि का, 3 × 3 कोटि का आपको दिया है, तो बोला है कि एडज्वाइंट ए कितना होगा, तो हम यहाँ एडज्वाइंट लिख रहे हैं और यहाँ ए लिख रहे हैं, इसका पूछा है सारणिक कितना होगा, कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ सारणिक ए लिख दिए हैं। कितना है जी, 3 है, 3 में से माइनस 1 गया, तो देखिए क्या आ गया, सारणिक ए का मान कितना आ गया, मतलब सारणिक ए का कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। तो इससे तो बच्चा दूध पीने वाला भी सीख जाएगा कि हाँ 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में देता है कि मान लीजिए कोई ए आवयू है, यह 2 × 2 कोटि का है, 2 × 2 कोटि का है, तब आप इसका एडज्वाइंट ए का सारणिक क्या निकलेगा, मतलब कैसे निकलेगा, क्या होता है सारणिक ए के पावर क्या होता है, एन माइनस 1 होता है ना। चलिए तो सारणिक ए के पावर, एन का काम यहाँ कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 − 1, तो 2 में से 1 गया जी, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ देखिए क्या होगा, सारणिक ए के पावर 1, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, सारणिक ए हो जाएगा। देख रहा है कितना बढ़िया से बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस ज़्यादा इसमें थोड़ा कंसेप्ट था और लॉजिक था, जो आपको ई वाला ट्रिक याद होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक भी इसमें पढ़ना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे यह भी क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अब बहुत ही हलुआ सवाल है और इतना हलुआ है कि हम क्या बताएं, इसको हम होमवर्क के लिए आपको देते हैं, ठीक है ना, HW के लिए, इस क्वेश्चन को हम आपको HW के लिए देते हैं। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मारना है, आंसर कमेंट में देना है कि हाँ कितना होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भर देना है, कितना होगा तभी ना जानेंगे कि हाँ आप मतलब कि सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ छाप रहे हैं, हमको क्या पता चल रहा है। यदि आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पूरा छाप दीजिएगा, आपका सही होगा तो दिल का मतलब कि दिल मिल जाएगा आपको, वो सब दिल के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है ना, आंसर सही होगा तो हम दिल का आपको साइन जरूर मार के विदा करेंगे कि हाँ आपका आंसर सही है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, ठीक है ना, तब तक के लिए आप लोग इसी क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा।